स्टूडेंट, ये हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अकॉर्डिंग समझेंगे कि जो आपकी बुक में दे रखी है, आप बुक में देखेंगे जो वेजिटेशन जोन है ट्रॉपिकल में कैसी होती है, सब ट्रॉपिकल में, टेम्परेट में, अल्पलाइन में किस तरीके की वेजिटेशन पाया जाता है, कैसा टेम्परेचर पाया जाता है, तो वो हम इसमें देखेंगे कहाँ पे एग्जैक्ट इसकी प्लेस होती है। इक्वेटर आप देखेंगे, ज़ीरो जो इक्वेटर है डिग्री, उसके पास ही जो 23 डिग्री होता है, तो आप देखेंगे 23 डिग्री और 26 मिनट नॉर्थ में जो है यहाँ पे ट्रॉपिक है, उसके ऊपर वाला जो होता है सब ट्रॉपिक है, उसके ऊपर टेम्परेट होता है, यानी 40 से 60 डिग्री के बीच में। अल्पलाइन जो हायर, सबसे जो ऊपर हायर एल्टीट्यूड में आप देखेंगे, तो यहाँ पे जो है वो अल्पलाइन है, यानी क्योंकि ये कोल्ड एरिया है, सनलाइट से जितनी जितनी दूर आप देखोगे वहाँ पे वैसे ही वेजिटेशन होती है, सनलाइट के पास जितनी वो होते हैं एरिया होते हैं वहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा पाई जाती है। इसी तरीके से सेम सदर्न यानी साउथ पोल की साइड में भी यही होता है, 23 डिग्री पे ट्रॉपिक है, उसके ऊपर सब ट्रॉपिक है, फिर टेम्परेट है और अल्पाइन है, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सबसे कोल्डेस्ट एरिया होता है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट कम आती है, इक्वेटर के पास पास जितने हैं वहाँ सनलाइट ज़्यादा होती है, यहाँ गर्मी ज़्यादा है, हीट कम है, तो वेजिटेशन भी उस हिसाब से अलग होती है।